Question number 4. This question is of differentiation. Parametric equations of a curve are given. X is equal to t square plus 1 and y is equal to 4t plus log 2t minus 1. These are two parametric equations of a curve. We have to express dy over dx in terms of t. We have to find dy over dx in terms of t. इन दोनों इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी देन वी विल यूज चेन रूल. चेन रूल से डी वाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इस दोनों इक्वेशंस को एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर प्लस वन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी. तो डी एक्स ओवर डी टी क्या आ जाएगा, टू टी. वन की डिफरेंशिएशन तो जीरो होती है. अब इसी तरह हमने वाई हमारे पास है वाई इज इक्वल टू फोर टी प्लस लॉग टू टी माइनस वन. इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. तो ये दो टर्म्स हैं, दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे. डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा फोर टी का आ जाएगा फोर. यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पहले लॉग टू टी माइनस वन है, पहले आ जाएगा वन ओवर टू टी माइनस वन, फिर टू टी माइनस वन जो है ये ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट जो है ये इसका हमने इन साइड द ब्रैकेट वो उसकी डिफरेंशिएशन वो आएगा टू मल्टीप्लाइड बाई टू कर देंगे. फोर प्लस पहले हम वन ओवर टू टी माइनस वन लिख लेंगे क्योंकि लॉग लॉग है इसका टू टी माइनस वन का, तो इसका ये डिफरेंशिएशन वन ओवर टू टी माइनस वन. अब इन साइड द ब्रैकेट जो है इसकी हम डिफरेंशिएशन करनी है दैट इज टू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टू से और दिस बिकम्स फोर प्लस टू ओवर टू टी माइनस वन. तो इसको हम सिंगल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं एलसीएम से. ये देखें दो फ्रैक्शन है हमारे पास, इनको हम सिंगल फ्रैक्शन में लेंगे ताकि चेन रूल यूज करना इजी हो जाए. टू टी माइनस वन तो यह आ जाएगा फोर इंटू टू टी माइनस वन प्लस टू. एलसीएम प्रोसेस इसको सिंपलीफाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी जो है वो हमारे पास आ जाएगा एट टी माइनस फोर प्लस टू ओवर टू टी माइनस वन. एट टी माइनस टू ओवर टू टी माइनस वन. अब हम यूज करेंगे यहाँ पे चेन रूल. पैरामीट्रिक इक्वेशन की डिफरेंशिएशन के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं. अब चेन रूल क्या है, वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स. अब हमारे पास ये हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी टी हमारे पास अभी हमने फाइंड किया ये देखें. और डी टी ओवर डी एक्स क्या होगा, ये ऊपर देखें हमने डी एक्स ओवर डी टी फाइंड किया है, वहां पे हमारे पास है डी टी ओवर डी एक्स. इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो टू टी डिनोमिनेट में चले जाएगा. सो डी वाई ओवर डी एक्स विल बी डी वाई ओवर डी टी हमारे पास है एट टी माइनस टू ओवर टू टी माइनस वन इन टू ये डी टी ओवर डी एक्स जो है ये वन ओवर टू टी हो जाएगा, वन ओवर टू टी. अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स एट टी माइनस टू ओवर टू टी इंटू टू टी माइनस वन. ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इन टर्म्स ऑफ टी. देखिए ये डी वाई ओवर डी एक्स है राइट साइड पे, टी जो है वो पैरामीटर आ रहा है
Part second of this question is find the equation of normal to the curve at the point where t is equal to 1. Give your answer in the form ax plus by plus c is equal to 0. आपने equation of normal find करनी और final में answer इस form में देना है. तो normal की equation क्या होती है? Line की और tangent की और नॉर्मल की सब सब के लिए यही इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. यहाँ पे x1 y1 एक पॉइंट होता है और m क्या होता है? ग्रेडियंट. तो सबसे पहले आपने ये मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ. सपोज कि आपके पास ये एक कर्व है, यहाँ पे है टेंजेंट. इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट लिया है, ये टेंजेंट लाइन है और नॉर्मल क्या होगा? ये टेंजेंट के ऊपर टेंजेंट पे इसी पॉइंट पे आपने 90 पे एक लाइन बना देनी है. ये रेड लाइन जो है ये नॉर्मल है, रेड लाइन जो है ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे, इस कर्व के इस पॉइंट पे, और ये जो है ये टेंजेंट है. यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. पहले हमने इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट को फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिर हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है नॉर्मल का. देन वी विल यूज दिस इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. पहले हमने x1 और y1 फाइंड करने हैं. तो ये देखें ऊपर हमें दिया हुआ है t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पे x और y क्या होंगे? x और y हमें गिवन है. ये देखें यहाँ पे x है ये और y ये है, t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे दोनों में तो x y हमारे पास आ जाएगा. x आएगा हमारे पास 1 पुट करेंगे t तो 1 प्लस 1 2 और y क्या आ जाएगा 4 प्लस log 1. ये हमने t की वैल्यू जो है 1 जो है ये यहाँ पुट की है x और y फाइंड करने के लिए, वही हमारे पास x1 y1 होगा जो इक्वेशन में हमने पुट करना है. log 1 0 होता है तो सो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई है 4. अब ये जो ये 2 और 4 x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 y 4 है, ये एक्चुअली x1 y1 है. ये पॉइंट हमारे पास आ गया है एक्स वन वाई वन एट टी इज इक्वल वन, ये पॉइंट है हमारे पास, इसी को एक्स वन वाई वन कहेंगे हम. अब हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट ये देखें ऊपर वाले पार्ट में हमने ग्रेडियंट एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया, यहाँ भी टी की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर देंगे तो डी वाई डी एक्स भी आ जाएगा हमारे पास. तो डी वाई डी एक्स जो है ये आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी 8 इंटू 1 माइनस 2 ओवर 2 इंटू 2 माइनस 1. ये इस ग्रेडियंट एक्सप्रेशन में हमने टी की वैल्यू पुट की है जो कि 1 गिवन है. टी की वैल्यू 1 पुट की है तो हमारे पास डी वाई डी एक्स ये आ गया. डी वाई डी एक्स को ही ग्रेडियंट कहते हैं. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट एम इज इक्वल टू 3. तो ये एक्चुअली जो है ये एम इज इक्वल टू 3 ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट है. इस टेंजेंट का जब डी वाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो वो ग्रेडियंट इसका होता है टेंजेंट का. ये एक्चुअली टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या आया है 3, लेकिन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व. तो हमने इस नॉर्मल का जो है ये ग्रेडियंट फाइंड करना है. नॉर्मल का ग्रेडियंट फिर क्या आएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट 3 है तो ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे. क्योंकि हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल जो है वो आएगा आपके पास नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ 3, नेगेटिव 1 ओवर 3. नो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी?
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू ग्रेडियंट इनटू x माइनस x1। अब ये x और y जो है आपको नजर आ रहे हैं ये तो वेरिएबल है, ऐसा रहेंगे। हमने फाइंड पुट करनी वैल्यू ग्रेडियंट की, वो नेगेटिव 1 ओवर 3 है। x1 y1 क्या है वो अभी हमने एट t इज इक्वल टू 1 ये जो पॉइंट फाइंड किया है ये x1 y1 की वैल्यूज है। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट y माइनस y1 4 है, ग्रेडियंट इज नेगेटिव 1 ओवर 3, x माइनस 2 x के x1 की वैल्यू 2 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 4 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी गेट 3 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू नेगेटिव 1 इंटू एक्स माइनस 2। फर्दर सिंप्लीफाइंग 3y माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। अब हमने आंसर देना है इस फॉर्म में, पहले x वाली टर्म फिर y वाली फिर कांस्टेंट, इस फॉर्म में हमने आंसर देना है। इस फॉर्म में लिख लेते हैं माइनस एक्स लेफ्ट पे आ जाएगा तो ये x प्लस 3y माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइनली x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन द गिवन फॉर्म।